हेलो एंड वेलकम एवरीवन, मेरा नाम है समर्थ और ये है मेरा चैनल व्हाट अप पिक्सेल। आज हम बात करेंगे इस छोटे से डायल बटन के बारे में। इसको कहते हैं डायोप्टर। डायोप्टर कैसे काम करता है और इसके होने से क्या फर्क पड़ता है, आज हम देखेंगे इसी वीडियो में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आपने ऐसा देखा होगा कि जब भी आप व्यू फाइंडर से देखते हैं तो जो भी आप इमेज लेना चाहते हैं वो आपको ब्लर दिखाई देती है। मतलब व्यू फाइंडर में जो भी आपको दिख रहा है वो सब ब्लर दिख रहा होता है। तो ऐसा क्यों होता है? तो सबसे पहले तो आप ये चेक करें कि आपका जो लेंस है वो ऑटो फोकस पे सेट है या नहीं। अगर लेंस आपका ऑटो फोकस पे है और जो इमेज आप लेते हैं उसको जब आप सिस्टम में देखते हैं तो आपको बहुत ही शार्प दिख रही होती है, बट जैसे ही उसको व्यू फाइंडर में देखते हैं तो आपको सब कुछ ब्लर दिखाई देता है। तो ये क्यों होता है? तो इसकी दो पॉसिबिलिटीज़ हैं। या तो आपका जो कैमरा है उसके अंदर प्रिज्म होता है, वो प्रिज्म में कुछ गड़बड़ी है, या फिर आपका डायोप्टर सही सेट नहीं है। तो अगर प्रिज्म में गड़बड़ी है तो आपको आपका कैमरा रिपेयरिंग के लिए भेजना पड़ेगा, और अगर डायोप्टर गलत सेट है तो उसको आप अपनी आई साइट के हिसाब से सही सेट कर सकते हैं। डायोप्टर सभी DSLR में होता है और कुछ पॉइंट एंड शूट कैमरा में भी होता है। तो अब देखते हैं कि डायोप्टर को आप कैसे सेट कर सकते हैं। सभी की आई साइट अलग अलग होती है, तो डायोप्टर जो है ना वो आपके लिए चश्मे का काम करता है। आपकी आई साइट के हिसाब से जब आप उसको एडजस्ट करते हैं तो आपको व्यू फाइंडर में सब कुछ शार्प दिखने लगता है। आप व्यू फाइंडर में देखते हैं और अगर आपकी फ्रेम आपको ब्लर दिख रही है तो आप क्या करो, आप डायोप्टर को देखेंगे, उसमें दोनों साइड देखेंगे तो उसमें प्लस और माइनस का साइन है। तो आप क्या करो, डायोप्टर को स्क्रॉल करिए। अब जैसे आप डायोप्टर को स्क्रॉल करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी जो फ्रेम है वो फोकस में आती जा रही है। तो एक्चुअली हो क्या रहा है, डायोप्टर आपकी आई साइट के हिसाब से कैमरा को एडजस्ट कर रहा है ताकि आपको शार्प दिखने लगे। तो इस तरह से आप डायोप्टर सेट कर सकते हैं ताकि आपको व्यू फाइंडर में बिल्कुल शार्प दिखने लगे। अब ऐसा भी हो सकता है कि आपने डायोप्टर सेट कर दिया और फिर कुछ दिन बाद अगर आप देखते हैं तो आप देखेंगे कि यार फिर से आपको ब्लर दिखने लगा है। तो वो क्यों होता है? तो उसके भी दो कारण है कि या तो आपने आपको आपका जो कैमरा है वो किसी फ्रेंड को दे रखा हो तो उसने अपने हिसाब से एडजस्ट कर लिया डायोप्टर, या फिर क्या होता है आप बैग में जब कैमरा रखते हैं निकालते हैं तो जब हम बार बार ये सब करते हैं तो इसकी वजह से क्या होता है, डायोप्टर मूव हो जाता है तो उसकी वजह से भी आपको ब्लर दिखने लगता है। तो जब भी आप शूट करें तो सबसे पहले देख लें कि आपने लेंस को ऑटो फोकस पे कर रखा है कि नहीं। अगर वो ऑटो फोकस पे है और फिर आप देखें कि डायोप्टर सेट है कि नहीं, अगर वो भी सेट है तो फिर आप शूट कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको क्या है, इमेज तो शार्प मिलेगी, साथ में आपको व्यू फाइंडर में भी आपको बिल्कुल शार्प दिखेगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि डायोप्टर को कैसे एडजस्ट करते हैं। अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए कीप लर्निंग कीप क्लिकिंग।